गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू चैप्टर 8 ज्योमेट्री। टुडेज टॉपिक इज बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री। टुडेज टॉपिक इज बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री। लेट अस फर्स्ट रिकॉल सम बेसिक टर्म्स ऑफ ज्योमेट्री। सो फर्स्ट टॉपिक इज पॉइंट। व्हाट इज पॉइंट? अ पॉइंट टेल्स द एग्जैक्ट पोजिशन। वी रिप्रेजेंट इट बाय अ डॉट। वी नेम अ पॉइंट बाय अ कैपिटल लेटर। Say A, B, C and so on. Point. A point tells the exact positions. Point हमें क्या बताता है? Exact positions बताता है. We represent it by a dot. और इसे हम represent किस तरह से करते हैं? Dot के रूप में. Point को हम represent कैसे करते हैं? ऐसे dot के रूप में. जैसे मैंने यहाँ पे dot बनाया है. We name a point by a capital letter. जब हम इस पॉइंट को नेम देते हैं तब हम उसे कौन सा लेटर यूज़ करते हैं? कैपिटल लेटर। जैसे ए बी सी कोई भी लेटर आप यूज़ कर सकते हैं, बट वो क्या होना चाहिए? कैपिटल लेटर। फॉर एग्जांपल, ये मैंने पॉइंट बनाया, अब मैं इसे नेम दूंगी ए। मैंने क्या यूज़ किया है? कैपिटल लेटर। सो दिस इज कॉल्ड अ पॉइंट। नेक्स्ट, लाइन सेगमेंट। व्हाट इज लाइन सेगमेंट? द लाइन सेगमेंट, द लाइन सेगमेंट इज अ पोर्शन पोर्शन ऑफ अ लाइन दैट has a starting and an ending point. It is the shortest distance between the two point. What is line segment? The line segment is a portion of a line that has a starting and ending point. Line segment में starting point होता है और एक ending point होता है. Line segment क्या होती है? सीमित होती है, उसे हम आगे नहीं बढ़ा सकते. उसका जो distance होता है वो क्या होता है? shortest होता है, मतलब थोड़ा distance होता है जिसे हम क्या कर सकते हैं? मेज़र कर सकते हैं. उसे हम क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट. फॉर एग्जांपल, ये मैंने क्या किया? एक ये क्या बन गया? लाइन सेगमेंट. इसे हम क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट. वन पॉइंट, ये पॉइंट क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट. स्टार्टिंग पॉइंट. और ये क्या है? एंडिंग पॉइंट. ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये क्या है? एंडिंग पॉइंट. यहाँ से हम अब इस लाइन को हम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट का जो डिस्टेंस होता है लाइन का, वो क्या होता है? शॉर्टेस्ट होता है, मतलब छोटा होता है, जिसे हम क्या कर सकते हैं? मेज़र कर सकते हैं. सो लाइन सेगमेंट इज़ अ पोर्शन ऑफ दैट पोर्शन ऑफ अ लाइन दैट हैज़ अ स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट. इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स. मीन्स ये जो टू पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? शॉर्टेस्ट होता है. सो दिस इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट. हम इसे लिखेंगे कैसे? वी राइट अ लाइन सेगमेंट. मीन्स इसे हम नाम देते हैं पहले ए बी. अब हम इसे लिखेंगे ए बी एज ए बी, बट हम इसके ऊपर क्या लगाएंगे? ऐसे लाइन. क्या लगाएंगे इसे हम? लाइन. हम लिख जब हम इसे
इस नेम को लिखेंगे तो हम इस तरीके से लिखेंगे। नेक्स्ट थर्ड लाइन, व्हाट इज़ लाइन। अब लाइन क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अ लाइन एक्सटेंड्स, अ लाइन एक्सटेंड्स इन, अ लाइन एक्सटेंड्स इन बोथ द डायरेक्शंस endlessly it has no ending point so we cannot measure its length. The line segment is just a part of a line. What is line? A line extends in both the directions endlessly. It has no ending point. So we cannot measure its length. The line segment is just a part of a line. ये जो line है इसे हम दोनों directions में क्या कर सकते हैं, इसे हम आगे बढ़ा सकते हैं। इसकी जो सीमा होती है वो असीमित होती है, उसे हमें जितना आगे बढ़ाना है हम उसे बढ़ा सकते हैं। बट लाइन सेगमेंट में क्या होता है, ये क्या होता है, सीमित होती है, इसे हम आगे नहीं बढ़ा सकते। बट लाइन में हम इसे बोथ डायरेक्शन मीन्स इस साइड से भी हम बढ़ा सकते हैं और यहाँ से भी हम बढ़ा सकते हैं। सो वी कैन नॉट मेज़र इट्स लेंथ, ये इसे हम काफ़ी आगे तक बढ़ा सकते हैं, इसलिए हम इसे मेज़र नहीं कर सकते इसके लेंथ को, मतलब हम इसे नाप नहीं सकते। एग्जाम्पल, यहाँ पे आपको एरो दिखाई दे रहा है, तो हम इसे बोथ डायरेक्शंस में क्या कर सकते हैं, हम इसे भी आगे यहाँ से बढ़ा सकते हैं और इस साइड से भी हम इसे आगे बढ़ा सकते हैं। मतलब लाइन का मतलब होता है असीमित, मतलब उसे हम सीमित करके नहीं रख सकते, उसे हम आगे, उसे वह आगे बढ़ सकती है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, लाइन। अब इसे हम एक नेम देते हैं पी क्यू। सो अब हम इसे लिखेंगे कैसे, लाइन ए बी, ये क्या था, लाइन ए बी और लाइन सेगमेंट था ये, तो हम इसे लिखेंगे कैसे, पी क्यू एस पी क्यू, बट हम इसे एरो लगाएंगे ऐसे, ठीक है। जब हम इसे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, पी क्यू। अब इस लाइन्स के कितने पार्ट, कितने टाइप्स की लाइन्स होती है, थ्री टाइप्स की। अब उसकी टाइप्स के बारे में आपको बताऊंगी मैं, टाइप्स ऑफ लाइन। कितने टाइप्स की होती है, थ्री टाइप्स। फर्स्ट हॉरिजॉन्टल, क्या होती है पहली, हॉरिजॉन्टल लाइन। सेकंड क्या होती है, वर्टिकल। एंड थर्ड स्लैंटिंग लाइन। स्लैंटिंग लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन मीन्स हॉरिजॉन्टल कैसी होती है, ऐसे। इसे हम क्या कहते हैं, स्लीपिंग लाइन भी पढ़ते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, स्लीपिंग लाइन भी। वर्टिकल मीन्स स्टैंडिंग लाइन, इसे हम क्या कहते हैं, वर्टिकल्स मीन्स स्टैंडिंग लाइन। और स्लैंटिंग लाइन मीन्स क्या होती है, ऐसे स्लैंटिंग, ये क्या है, स्लैंटिंग लाइन। बट ये जो लाइंस आपको दिख रही है वो हमें क्या दिखाई दे रही है, स्ट्रेट लाइंस दिखाई दे रही हैं, सारी लाइंस क्या हैं, स्ट्रेट हैं। सो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड स्लैंटिंग लाइंस, ये लाइंस के क्या हैं, टाइप्स हैं।
और ये जो हॉरिजेंटल लाइन है, वर्टिकल लाइन है, स्लैंटिंग लाइन से ये किस तरह की लाइन है, इसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रेट लाइंस। क्या कहेंगे हम इसे? स्ट्रेट लाइंस। ये हॉरिजेंटल, वर्टिकल और स्लैंटिंग लाइन है, ये ऑल ऑफ दीज आर स्ट्रेट लाइंस। अब लाइंस की, अब द लाइंस दैट आर नॉट स्ट्रेट आर कर्व लाइंस। मीन्स स्ट्रेट लाइंस भी होती हैं और क्या होती हैं? कर्व लाइंस भी। ये सारी क्या हैं? स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइंस। अब हम क्या पढ़ेंगे? कर्व लाइंस। कर्व लाइंस। कर्व लाइंस कैसी होती हैं? ऐसी। ये क्या है? कर्व लाइंस मीन्स ये थोड़ी सी कर्व्ड होती हैं, घूमी घुमावदार होती हैं। ये क्या थी? स्ट्रेट, एकदम सीधी होती हैं, इसीलिए हम इस लाइंस को क्या कहते हैं? स्ट्रेट लाइंस। बट ये क्या है? कर्व लाइंस। जैसे ये सब क्या है? कर्व लाइंस मीन स्ट्रेट लाइंस एंड कर्व लाइंस। स्ट्रेट लाइंस में कौन कौन सी होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन एंड स्लैंटिंग लाइन। इन लाइंस को हम क्या कहते हैं? स्ट्रेट लाइंस। और ये क्या है? कर्व लाइंस। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, रे। व्हाट इज रे? अ रे एक्सटेंड्स एक्सटेंड्स एंडलेसली इन वन डायरेक्शन। इट हैज अ स्टार्टिंग पॉइंट बट नो एंडिंग पॉइंट पॉइंट। वी कैन नॉट मेजर इट्स लेंथ लेंथ। वी रिप्रेजेंट अ रे यूजिंग कैपिटल लेटर। रे, अ रे एक्सटेंड्स एंडलेसली इन वन डायरेक्शन। इट हैज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट बट नो एंडिंग पॉइंट। जो ये रे है उसे हम एक्सटेंड कर सकते हैं बट वन डायरेक्शंस में। हम इसे बोथ मतलब दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड नहीं कर सकते, मतलब आगे नहीं बढ़ा सकते। इसे हम सिर्फ वन डायरेक्शंस में क्या कर सकते हैं? आगे बढ़ा सकते हैं। इट हैज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट बट नो एंडिंग पॉइंट। इसकी स्टार्टिंग पॉइंट होती है बट इसका एंड पॉइंट नहीं होता है। वी कैन नॉट मेजर इट्स लेंथ, इसलिए हम इसकी लेंथ को हम क्या कर सकते हैं? नाप नहीं सकते हैं। वी रिप्रेजेंट अ रे यूजिंग अ कैपिटल लेटर। जब इस रे को हम रिप्रेजेंट करते हैं मतलब इसे कोई नेम देते हैं, तब हम उसे कौन सा लेटर यूज करते हैं? कैपिटल लेटर। फॉर एग्जाम्पल, ये क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट। बट ये क्या है? एंडिंग पॉइंट, मतलब इसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, मतलब इसकी कोई सीमा नहीं है आगे बढ़ने की। बट इसे हम वन डायरेक्शन में ही आगे बढ़ा सकते हैं, यहाँ से हम आगे नहीं बढ़ा सकते क्योंकि यहाँ पे एरो लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे क्या है? पॉइंट बना हुआ है, इसलिए हम इस डायरेक्शन में इसे आगे नहीं बढ़ा सकते। इस डायरेक्शन से ये आगे बढ़ सकता है, तो ये पॉइंट क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट। और ये क्या है? एंडिंग पॉइंट, मतलब ये इसकी कैन नॉट बट नो एंडिंग पॉइंट्स, मतलब ये इसका एंडिंग पॉइंट नहीं है क्योंकि यहाँ पे एरो लगा हुआ है, इसलिए ये आगे बढ़ सकता है। सो वी कैन नॉट मेजर इट्स लेंथ, मतलब इसका जो ये जो है रे, इसे हम मेजर नहीं कर सकते, मतलब नाप नहीं सकते। इसे अब हम एक नेम देते हैं, हमने इसे नेम दिया सी एंड डी। मैंने कौन सा लेटर यूज़ किया यहाँ पर? देखिए सी डी, ये क्या है? कैपिटल लेटर है। हम इसे अब लिखेंगे कैसे? सी डी एज
डी। और ऊपर में क्या बना रही हूँ देखो, मैंने यहाँ पे एक एरो दिया है, हम लिखेंगे जब इसे तो इस तरीके से लिखेंगे। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।